ब्लॉक फिलोपियन ट्यूब्स में हम प्रेगनेंसी कैसे प्लान कर सकते हैं? ट्यूब्स प्रेगनेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे मान लो ये आपका यूट्रस है, ठीक है, यूट्रस है, यहाँ पे आपकी फिलोपियन ट्यूब्स हैं, ठीक है, ये यूट्रस है और ये फिलोपियन ट्यूब्स हैं। दो ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, और दोनों ट्यूब के पास एक एक ओवरी होती है, अंडेदानी जिसे कहते हैं। हर महीने किसी ना किसी एक अंडेदानी से एग बनता है और रिलीज हो जाता है, जो कि ये ट्यूब कैच कर लेती है। ये जो एग है ये यहाँ वेट करता है, जब आप रिलेशन रखते हो तो हस्बैंड के स्पर्म्स यहाँ से ट्रैवल करते हैं, यहाँ पर जाके इसको फर्टिलाइज कर देते हैं, भ्रूण बना देते हैं और यही आगे जाके आपका बेबी बनता है। अब ये ट्यूब का ही काम है कि वो इस भ्रूण को यहाँ से यहाँ लेके जाए, यूट्रस के अंदर डाले, ताकि बच्चेदानी के अंदर प्रेगनेंसी आ पाए। अब मान लो अगर आपकी ट्यूब ब्लॉक्ड है, मान लो ये ट्यूब ब्लॉक्ड है, तो क्या होगा, स्पर्म और एग तो मिल ही नहीं पाएंगे, इसीलिए प्रेगनेंसी नहीं आ पाती। तो अगर आपकी ट्यूब ब्लॉक्ड है तो सबसे पहली चीज़ तो आपको पता कैसे चला कि ट्यूब ब्लॉक्ड है? यूजुअली लोग HSG कराते हैं, जिसको ट्यूब टेस्ट भी कहते हैं। मैंने HSG पे एक वीडियो बनाई है, लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी। HSG या ट्यूब टेस्ट जो है वो दो तरीके से होता है, या तो वो विद एनेस्थीजिया होता है या विदाउट एनेस्थीजिया होता है। अगर विदाउट एनेस्थीजिया मतलब बिना बेहोश किए अगर आपका HSG का टेस्ट हुआ है तो वो ज़्यादातर केसेस में बहुत पेनफुल होता है। अब इतने पेन के चक्कर में क्या होता है, जैसे ही HSG की डाई यूट्रस के अंदर जाती है, यूट्रस बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को भींच लेता है, उस वजह से ये जो डाई है ना वो ट्यूब के अंदर नहीं जा पाती और रिपोर्ट में आता है कि ट्यूब ब्लॉक्ड है। एक्चुअली ट्यूब ब्लॉक नहीं है, वो आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स है टू पेन, जिसने डाई को ट्यूब में जाने ही नहीं दिया। जबकि अगर आप HSG अंडर एनेस्थीजिया कराते हो तो पेन नहीं फील होता क्योंकि आप बेहोश हो। ऐसे केस के अंदर आराम से अगर ट्यूब खुली है तो ट्यूब के अंदर डाइट चली जाती है और रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। तो अगर आपका पेनफुल था HSG तो या तो आप HSG दोबारा कराओ अंडर एनेस्थीजिया, या फिर आप दूरबीन के टेस्ट से कंफर्म कर सकते हो कि आपकी ट्यूब ब्लॉक्ड है या खुली है। दूरबीन का टेस्ट जिसे कहते हैं लैप्रोहिस्ट्रोस्कोपी, उसमें हम दूरबीन डालते हैं और उसमें अपनी आंखों से देखते हैं कि ट्यूब से डाई बाहर निकल रही है या नहीं निकल रही है। अब देखो, मैं किसी भी तरह की सर्जरी के ना फेवर में नहीं होती हूँ, इसलिए मैं लैप्रोहिस्ट्रोस्कोपी लोगों को एडवाइज़ नहीं करती। बस उन्हीं केस में हम लोग लैप्रोस्कोपी सोचते हैं जिसमें हमें लगता है कि हम इसमें ट्यूब खोल पाएंगे, राइट? तो ट्यूब खोलने की जो सर्जरी होती है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब अगर आपकी ट्यूब ब्लॉक्ड है तो आपके पास दो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, या तो आप ट्यूब खोलने का ऑपरेशन करा लो या फिर आप IVF करा लो। अब ट्यूब खोलने का जो ऑपरेशन है उसका सक्सेस रेट डिपेंड करता है कि आपकी ट्यूब में किस लेवल पे ब्लॉकेज है, ट्यूब कहीं डैमेज तो नहीं हुई हुई है, कहीं ट्यूब के अंदर पानी तो नहीं भरा हुआ। तो अगर ट्यूब खराब है, ट्यूब में पानी भरा हुआ है, ट्यूब में सूजन है, तो उसमें रीकैनलाइजेशन मतलब ट्यूब खोलने के प्रोसेस का सक्सेस रेट अच्छा नहीं होता। ऐसे केसेस के अंदर हम एडवाइस नहीं करते क्योंकि पेशेंट के अननेसेसरली पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं। दूसरी चीज है कि अगर आप ट्यूब खोलने का ऑपरेशन कराते हो और ट्यूब खुल भी जाती है मान लो, तो जरूरी नहीं है प्रेगनेंसी आए, क्योंकि ट्यूब खुल तो गई है बट जरूरी नहीं है कि ट्यूब काम भी कर रही हो। जिस इन्फेक्शन ने ट्यूब को ब्लॉक किया था वो इन्फेक्शन कभी कभार ट्यूब के अंदर के जो पतले पतले रेशे होते हैं ना उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ट्यूब खुल तो जाती है बट वो एग और स्पर्म को मिला नहीं पाती, एम्ब्रियो को यूट्रस के अंदर नहीं भेज पाती क्योंकि वो काम नहीं कर रही है ठीक से। इसीलिए कई पेशेंट्स को रीकैनलाइजेशन के बाद भी वो ट्राई करते रहते हैं, ट्यूब खुलने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं आती। और दूसरी चीज, अगर मान लो आपकी ट्यूब में सर्जरी के दौरान टांका लगा है, ट्यूब की सर्जरी करनी पड़ी, तो ऐसे केस में आगे जाके ट्यूब में बच्चा रुकने का रिस्क रहता है, जिसको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर मान लो आपकी ट्यूब ओपन हो गई है और भ्रूण बन भी गया, तो ये भ्रूण बच्चेदानी में जाने की बजाय क्योंकि ट्यूब डैमेज्ड है या तो वहीं रह जाता है या फिर टांकों पे जाके चिपक जाता है, और ऐसे में बच्चेदानी की बजाय ट्यूब में प्रेगनेंसी रुक जाती है, जो कि अगर सही टाइम पे डिटेक्ट ना हो तो ट्यूब फट सकती है और ये चीज जानलेवा भी हो सकती है। इसीलिए जब भी ऐसी कोई सर्जरी करते हैं तो हम उसके सारे रिस्क पेशेंट को बताते हैं, उसका सक्सेस रेट बताते हैं, ताकि पेशेंट सब चीजें समझ के डिसाइड कर पाए। अब वहीं दूसरी तरफ है IVF। IVF में क्या करते हैं, हम बहुत सारे एग्स बनाते हैं इंजेक्शन के जरिए और उन एग्स को हम बाहर निकाल लेते हैं, जो कि
अल्ट्रासाउंड गाइडेड होता है, बहुत थिन सी नीडल होती है, कोई कट नहीं लगता, कोई सूचर नहीं लगता, शॉर्ट प्रोसीजर होता है। इस एग को बाहर निकाल के हम भ्रूण बनाते हैं और वो आपके यूट्रस में डाल देते हैं। यूट्रस में डालने का जो प्रोसेस है उसमें कोई पेन नहीं होता। अब ऐसे में क्या किया हमने, एक्चुअली ट्यूब को तो बाईपास कर दिया, हमें जरूरत ही नहीं है ट्यूब की। इसकी क्या एडवांटेज होती है, एक पहली बात तो हमें जो एग्स हैं वो अपने सामने हम देख पा रहे हैं, एग की और एम्ब्रियो की क्वालिटी हमें पता है, हम ए ग्रेड के एम्ब्रियोज अंदर डालते हैं, इसी वजह से इसका सक्सेस रेट काफी ज्यादा है। IVF का सक्सेस रेट इसी वजह से ट्यूब खोलने के प्रोसेस के सक्सेस रेट से काफी ज्यादा होता है। अब क्या है, आज से 15-20 साल पहले जब IVF इतना डेवलप नहीं था तब ट्यूब की सर्जरीज बहुत कॉमन थी। अब 15 साल में टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है, हमारी लैब्स इतनी अच्छी हैं कि अब जो हमको IVF में सक्सेस रेट मिलता है वो हमको किसी और सर्जरी में नहीं मिल पाता। अब 15 साल में टेक्नोलॉजी तो अच्छी हो गई है, लेकिन 15 साल के अंदर IVF को लेके जो लोगों में चिंता थी और डर था वो चेंज नहीं हुआ। इसीलिए IVF से डर के लोग एक बड़ा ऑपरेशन कराने को तैयार हैं ट्यूब की सर्जरी का, जिसमें कट भी लगता है, सूचर भी लगता है। मेरा ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंड करता है कि किस पेशेंट के लिए कौन सा ट्रीटमेंट सूटेबल है। मैं आशा करती हूँ मैं आपके डाउट्स कुछ हद तक क्लियर कर पाई। इसके अलावा जो भी आपके क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।